बलात्कार जैसे मुद्दों पर बात करना सरकार के साथ बेईमानी होगी। ये कैसी सरकार है, सरकार का ये कैसा इकबाल है, या फिर नाकामियों को छिपाने का ये एक जुमला भर है कि क्या करें साहब, हमारी तो कोई सुनता ही नहीं है। सूबे में अपराधों की भरमार, नौकरशाही पर नतमस्तक सरकार, कौन सुनेगा कल्लू की कहानी जब नौकरशाही याद दिला दे नानी, घुटनों पर सरकार। अखिलेश यादव जी की सरकार की नौकरशाही पर चाचा शिवपाल हमेशा की तरह नाराज हैं, खफा हैं। सपा सरकार में नौकरशाही आवारा सांड जैसी हो गई है जिसकी नाक में नकेल डालना सपा के बूते की बात रह नहीं गई। अब इसलिए नौकरशाही का दिया गया दर्द शिवपाल साहब जब तब कुछ इस अंदाज में बयां करते रहते हैं। समाजवादी सरकार के पसीने छूट रहे हैं, सूबे में लोगों की सांसें सिसकियों में बदल रही हैं, अवध से आजमगढ़ तक मौत है, मातम है और मायूसी है, लेकिन नौकरशाह शहंशाहों की न बात मानते हैं न तकलीफ समझते हैं। जीता जागता समाजवाद उत्तम प्रदेश के धरातल पर उतरा है। हमारे देश की सबसे ज्यादा अगर लोकतंत्र को सबसे ज्यादा नुकसान किया है तो इस नौकरशाही, राजनेताओं को बेईमान बनाने में सबसे बड़ा अधिकार नौकरशाही में, नौकरशाही हम तो रोज देखते हैं। कौन कहता है दिल्ली दूर है केवल एक कहावत है। दिल्ली रामगोपाल यादव के दिल में बसती है। दिल्ली की दीवारों पर समाजवाद लिखने की हसरत लिए यादव जी की तरफ जब जब सुलगते सूबे का धुआं पहुंचता है तो सारा धुआं सारी धुंध बिना खांसे खखारे दिल्ली की तरफ मोड़ देते हैं। इसके पीछे भी बादशाह की बेबसी ही है। दिल्ली में क्या हो रहा है इसकी तरफ किसी का ध्यान नहीं। उत्तर प्रदेश में जो देश का सबसे बड़ा राज्य है, देश की सब पांचवा हिस्सा है, उसमें अगर एक घटना होती है तो सारे चैनल्स में सारे अखबारों में उसी की चर्चा। लक्ष्मणपुरी में शपथ लेकर रामराज लाने का सपना देखने वाले अखिलेश के शब्दकोश में संवेदनाओं का, सुंदरियों की सूनी मांग का, साड़ियों के सफेद रंग का क्या अर्थ है नहीं मालूम, लेकिन आश्वासन की आस से उम्मीद का दामन थामना ही पड़ता है। जो अधिकारी हैं वो नहीं सुन रहे हैं। आजा कुछ आप सुधारो कुछ हम सुधारें। जनता अफसरशाही, नौकरशाही, लाल फीताशाही की लॉलीपॉप नहीं जानती। सूबे के सीएम को नौकरशाही पर लगाम कसनी होगी जब दफ्तर का बाबू और थाने का थानेदार सरकार की नहीं सुनता तो जनता से कैसा सरोकार होगा। सिंहासन भले ही 224 सीट हो लेकिन सरकने में देर नहीं लगती। ब्यूरो रिपोर्ट, समाचार प्लस। इस मुद्दे पर बात करेंगे अमिताभ अग्निहोत्री जी, हमारे मैनेजिंग एडिटर हमारे साथ हैं। लखनऊ आपको लेकर चलेंगे, डॉक्टर चंद्रमोहन जी हैं, आप बीजेपी के नेता हैं। हमारे साथ अमीर हैदर साहब हैं, आप कांग्रेस की नुमाइंदगी कर रहे हैं। और कुछ देर बाद रविदास मेहरोत्रा जुड़ेंगे, आप समाजवादी पार्टी के नेता हैं। लेकिन पहले अमिताभ जी, मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि जरा एक बार दायरा बांध दें जिसके इर्द गिर्द या जिसके भीतर हम अपनी चर्चा को महदूद रख सकें। भाई देखिए, ये विषय इसलिए जेरे बहस है, अब मुझे लगा कि बहुत इस विषय पर चर्चा होली प्रदेश में। मुख्यमंत्री जी ने कहा कि जो नौकरशाही का सम्मान पहले था वो उसके कर्मों के चलते अब नहीं रहा। मुलायम सिंह जी ने एक साक्षात्कार में कहा कि पंचम तल पर बैठे हुए अधिकारी सरकार को गुमराह करते हैं, मुख्यमंत्री को। शिवपाल जी ने कहा कि भाई भ्रष्टाचार जो है वो नौकरशाहों के चलते हैं। आजम खान साहब इस सरकार के एक और स्तंभ, उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही ऐसी हो गई पागल हाथी की तरह जो महावत को ही कुचल डालना चाहती है। रामगोपाल जी ने कहा कि नौकरशाही जो है वह निरंकुश है उत्तर प्रदेश में। अब सवाल उठता है कि जब पूरे सत्ता तंत्र ने कहा कि नौकरशाही निरंकुश है
तो नौकरशाही को नाथने की जिम्मेदारी, नौकरशाही की नाक में नकेल डालने की जिम्मेदारी अगर वो निरंकुश है तो मैं फैसला नहीं सुना रहा, ये फैसला तो समाजवादी पार्टी ने सुनाया। अगर ये है तो ये जिम्मेदारी हुजूर हमने किसको दी? मेरे हाथ में है क्या ये जिम्मेदारी? अतुल अग्रवाल के हाथ में है क्या ये जिम्मेदारी? या भाजपा बसपा और कांग्रेस के हाथ में है? नहीं, जनता ने वोट दिया समाजवादी पार्टी को। यह मुख्यमंत्री और उनके मंत्रिमंडल की सामूहिक जिम्मेदारी है कि उनके राजनीतिक दर्शन के अनुरूप उत्तर प्रदेश की नौकरशाही आचरण करे। ठीक है, वो अगर नहीं कर पा रही, नौकरशाही आपकी बात नहीं सुन रही, तो इस विफलता का ठीकरा भी किसके सर फोड़े हम? आज हम इस सवाल का जवाब खोजने आए हैं। ठीक है कि अगर नौकरशाही वास्तव में निरंकुश है, पागल हाथी हो गई, भ्रष्ट है, षड्यंत्रकारी है, गुमराह करती है सूबे के मुखिया को, तो इस नौकरशाही को नाथने की जिम्मेदारी किसकी? ठीक है, और वो जिम्मेदारी कब तक पूरी होगी? डेढ़ बरस होने को आया सरकार का। लखनऊ चलते हैं, डॉक्टर चंद्रमोहन साहब, आप बीजेपी के नेता हैं, आप धारदार तरीके से अपनी बात रखते हैं, इसलिए आप प्रवक्ता पद पर विराजमान हैं। मुझे ये बताइए, अगर नौकरशाही निरंकुश है, जो अमिताभ जी ने सवाल उठाया, तो उसको नाथने की भी जिम्मेदारी तो अखिलेश जी की सरकार की है ना? वो ना तो आपकी है, ना हैदर साहब की है, ना अमिताभ अग्निहोत्री जी की है, और ना मेरी है, और ना जनता की है। जिन साहब की कुर्सी खाली है आपके बाजू में, ये तो उनकी पार्टी की है, भाई रविदास मेहरोत्रा की। अब वो दूसरी बात है कि खुद इनकी इनकी पार्टी भी नहीं सुनी जाती, तो नौकरशाह इनकी क्यों सुने? चंद्रमोहन जी, ऐसा है कि ये पहली सरकार है उत्तर प्रदेश की जिसका कोई नेतृत्व नहीं कर रहा है। उत्तर प्रदेश ने नारायण तिवारी जी की सरकार को देखा, उत्तर प्रदेश ने कल्याण सिंह जी की सरकार को देखा, राजनाथ सिंह की सरकार को देखा, मुलायम सिंह जी की सरकार को देखा। ये पहली सरकार है जो अखिलेश की सरकार नहीं है। इस सरकार में एक से अधिक सत्ता के केंद्रों का होने का जो दुष्परिणाम है वो ये है कि मुख्यमंत्री बिलख रहे हैं, वेदना व्यक्त कर रहे हैं, और एक हताश युवा की, जो एक उत्तर प्रदेश का हताश युवा है ना, बेरोजगार युवा, तो लगभग वैसी बेरोजगारी और वैसी हताशा प्रकट कर रहे हैं अखिलेश जी। अच्छा, क्योंकि उनके साथ संकट ये है अखिलेश जी के साथ में कि उनके चाचाओं की भरमार है। अब वो चाचा और चाचियां जो है वो प्रशासन में भी हैं। भैया चाचियां मुझे समझ नहीं आई। चाचा तो सुना था, लेकिन ये चाची वाला फंडा कुछ नया है चंद्रमोहन जी। अच्छा, चाची है कि भाभी है ना? सुनिए सुनिए सुनिए, चाची है कि भाभी है कि मौसी है, ये बता दो आप। ऐसा है, ये अमिताभ जी और अतुल जी इस फंदे को पूरी तरीके से समझते हैं। अच्छा, कि मेरा इशारा किशोर है। अच्छा ठीक है, रविदास जी से बात कर रहे हैं। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, रविदास जी आप विलंब से आए, आपका विशेष स्वागत। वो कहते हैं ना, बहुत देर कर दी हुजूर आते आते, मैं ये नहीं कहूंगा, थोड़ी सी देर की, बहुत देर नहीं की। अच्छा ये भाई, ये नौकरशाह जो है इतने इतने बदमिजाज और बेलगाम क्यों हो गए हैं भाई? बताइए भाई, शिवपाल जी को कितना परेशान कर दिया बताइए हैं? शिवपाल जी के चेहरे पे कितना तनाव दिखा भैया आज हमको? देखिए ऐसा है, हम लोगों ने पहले भी कई बार कहा है कि सत्ता का परिवर्तन हुआ है, लेकिन जो व्यवस्था है उसका परिवर्तन नहीं हुआ है। अच्छा, और व्यवस्था परिवर्तन के बिना जो है वो सही नौकरशाही काम करे संभव नहीं है। भाई साहब आप एक काम करो, मेहरोत्रा जी आप हमारे बड़े भाई हैं, मैं आपकी बहुत इज्जत करता हूँ व्यक्तिगत तौर पर, आप बेहद ईमानदार व्यक्ति हैं, आप इज्जत के हकदार हैं, मैं आपकी इज्जत करता हूं। एक सुझाव दूं जी, आप अमिताभ अग्निहोत्री जी को हमारे स्टूडियो से, हमारे ऑफिस से लेके अपने साथ चले जाइए आप। एक हफ्ते में अगर सारे नौकरशाह घुटनों के बल ना खड़े नजर आए तो कहिएगा, और आपकी सरकार की जो शिकायतें हैं वो सारी शिकायतें ना दूर हो जाए तो कहिएगा। अरे भाई कैसी बातें आप लोग कर रहे हैं? माननीय मुलायम सिंह जी, अखिलेश जी और तमाम बड़े बड़े धुरंधर, ये अगर ब्यूरोक्रेट्स को सही नहीं कर पा रहे तो फिर प्रदेश कैसे सही होगा? फिर आप दावे क्यों करते हैं बड़े बड़े कि हम यहां तीर मार देंगे, वहां तोप चला देंगे? ये सवाल पूछा जाएगा ना। देखिए लगातार जो है अधिकारियों के ऊपर अंकुश कायम करने का प्रयास हो रहा है, लेकिन ये आपकी बात सही है कि जो नौकरशाही है ये बेलगाम है। सरकार लगातार जो निर्णय करती है वो चाहती है कि योजनाओं का लाभ हर गरीब को मिले, विकास का काम हर घर के बाहर दिखाई पड़े, लेकिन बहुत सारे
घोषणाओं के बाद भी जो नौकरशाह हैं वो ठीक से काम नहीं कर रहे। अरे तो निकाल बाहर क्यों नहीं करते उनको? जी जो नौकरशाह काम नहीं कर रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाइयां हो रही हैं, उनको सस्पेंड करा जा रहा है, लेकिन उसके बावजूद भी रविदास भाई सरकारें बहुत सी हो रही हैं। रविदास भाई सरकारें बहुत सी रही हैं, हर सरकार में ये नौकरशाही बेलगाम रहती है। रविदास भाई अगर ये कहे कि आज की सरकार बेलगाम है, रविदास भाई ठीक बात नहीं है। रविदास भाई ताजा उदाहरण देता हूँ, सरकार किसी पार्टी की रही हो, रविदास भाई जो पार्टी की सरकार जब कल्याण सिंह की सरकार थी तो 26 दिन लखनऊ लगातार कर्फ्यू लगा रहा था। रविदास जी तो जो है एक सेकंड चलिए एक मिनट रविदास भाई सरकारें रही हैं, रविदास भाई सरकारों में नौकरशाही के लगाम रविदास जी अपने स्वभाव के विपरीत रविदास जी एक प्रदर्शन कर रहे हैं। बहुत विनम्रता से कहूंगा एक क्षण दीजिए मुझे, एक ताजा उदाहरण आपको दे दूं, मुझे लगता है वो आपके लिए जरूरी है। अभी हफ्ते भर पहले 12 या 15 आईएएस अधिकारियों आईपीएस और आईएएस अधिकारियों के तबादले हुए, लेकिन उन लोगों ने मूव नहीं किया। 18 आईपीएस थे, 18 उनको आदेश मिल गया, मूव नहीं किया। हाँ। मैंने एक अपने मित्र आईपीएस अधिकारी से पूछा कि भाई आप लोगों ने ज्वाइन क्यों नहीं किया? उन्होंने कहा भाई साहब प्रमुख सचिव ने हमारा आदेश आया कि भाई हम ट्रांसफर कर दिए गए फला जिले में, लेकिन रात में ही उसी रात डीजीपी ने हमको फोन करके कहा कि ज्वाइन मत करो, अभी आगे बताएंगे क्या करना है। इतनी गफलत किसने ट्रांसफर किया और किसने रोका? काम कैसे करें अधिकारी? और एक कदम और आगे चल के बताऊं, जो अमिताभ जी ने कहा किसने ट्रांसफर किया किसने रोका, जो मीडिया के हलकों में जो खबर थी, मुझे पता उस खबर का आप खंडन करेंगे, मीडिया के हलकों में खबर यह थी कि माननीय शिवपाल जी के आदेशानुसार ये ट्रांसफर हुए, लेकिन चूंकि अखिलेश जी के संज्ञान में नहीं था इसलिए पूरी कार्रवाई को स्टे कर दिया गया। इतनी गफलत भाई रविदास जी। जी तो अधिकारी क्या करे, किसकी सुने बताइए आप? नहीं देखिए अधिकारी जो बहुत सारी योजनाएं ऐसी हैं जो सरकार ने लागू करी लेकिन उन योजनाओं का पूरा लाभ जनता के पास तक पहुंच नहीं पाया। अरे भाई अधिकारी को पता ही नहीं कि योजनाएं किस हैसियत से लागू हुई, किसने लागू की। अधिकारियों को पता ही नहीं कि मेरा ट्रांसफर किसने किया। मैं जिसको रिपोर्ट करता हूं वो कहता है ड्यूटी ज्वाइन मत करो, और जो उसके ऊपर बैठे हैं वो कहते हैं ड्यूटी ज्वाइन करो। अब बताओ अधिकारी क्या करे, दो सांड लड़े तो घास की तरह पिस जाए क्या? बिल्कुल आवाज कट गई, आवाज नहीं आ रही, टेलीफोन कट गया है। अमीर हैदर साहब फोन शायद कट गया, दोबारा जोड़ने की कोशिश करेंगे। अमिताभ अग्निहोत्री जी देखिए मूल सवाल वही है, मैं आजम साहब की बात भी सच मानता हूं, मुलायम सिंह जी की भी मानता हूं, अखिलेश जी की बात भी सच मानता हूं, और जो कुछ शिवपाल जी ने कहा उसको भी सत्य मानता हूं। हाँ। तो कुल इन चार सत्य को जब मैं एक कंटेनर में डाल के हिलाता हूं तो जो नतीजा निकलता है वो निकलता है कि उत्तर प्रदेश की नौकरशाही कोलैप्स कर गई। हाँ। जब 356 लगती है तो उसमें लिखा जाता है कि मशीनरी कोलैप्स कर गई। हाँ। कॉन्स्टिट्यूशनल ब्रेकडाउन शब्द का इस्तेमाल होता है, इसका एक दूसरा मतलब तब है, तो उत्तर प्रदेश में मशीनरी ब्रेकडाउन होगी ना, ना सरकार की नाकामी की वजह से ब्रेकडाउन हुई ना, ये भी देखा जाएगा ना। अगर घोड़ा ठीक नहीं चल रहा हाँ। तो जिम्मेदारी रास्ते की लगाएंगे या सवार की लगाएंगे, ये तो समझना होगा ना हमको, सवार की जिम्मेदारी है या रास्ते की जिम्मेदारी है। और अगर रास्ते की जिम्मेदारी बताने का चलन चल जाए तो धन्य है उत्तर प्रदेश, और उसके भाग्य पर मैं केवल विलाप कर सकता हूं। मैंने तो आज तक यही देखा सीखा कि जिम्मेदारी सवार की है। बहुगुणा जी कहा करते थे, हेमती नंदन बहुगुणा, विजय बहुगुणा जी नहीं, हेमती नंदन बहुगुणा कहा करते थे कि नौकरशाही वह घोड़ा है जो अपने सवार की ताकत को पहचानती है, वो जानती है कि उसके सवार में कितना स्टेमिना है, वो उसको कितना नियंत्रित कर सकता है। जी किसी भी कुशल घुड़सवार को उसका घोड़ा नाच नहीं नचाता। जी हैदर साहब के पास चलेंगे, फोन जुड़ गया है। हैदर साहब सवाल तो बड़ा यही है ना कि अगर ब्यूरोक्रेट्स बात नहीं सुन रहे तो जिनको बात सुनानी चाहिए वो ठीक से बात सुनाने के योग्य नहीं है, उनके भीतर अपनी बात को सुनवाने की योग्यता नहीं है, वो सक्षम नहीं है।
डेढ़ साल पहले ये सरकार आई और ये नौयुवक चीफ मिनिस्टर बना, तो बड़ी उम्मीदें थी देश प्रदेश को कि बहुत इसमें सही होगा। लेकिन जब डेढ़ साल में अंकुश नहीं लग पाया और कोई सख्त कार्रवाई नहीं कर रहे हैं लोग, और इनके साथ मुलायम सिंह जी इतने तजुर्बेकार है, सब पांच पांच चीफ मिनिस्टर इनके हैं, एक चीफ मिनिस्टर तो कम जाता, और जब